पिताजी किसके जन्म में हुए हैं? गनेरिया के जन्म में हुए हैं, तो गनेरिया हैं वो, यादव नहीं है। मुसार है जी, वो मुसार है क्या वो? माझी जी काफ़ी सीनियर नेता हैं और अभी सिर्फ बिहार का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं, पूरे मतलब अभी केंद्र में मंत्री हैं। और इस तरह का बयान मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अगर राय मतलब मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ, तो उनको ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी जाति सूचक इस तरह से जो किसी की कि कोई इस जाति का है, इस जाति का नहीं है। अब माझी जी के पास क्या प्रमाण है? अब तो या तो फिर जिस समाज के बारे में वो बोल रहे हैं, खासतौर पे लालू जी के जाति के बारे में बोल रहे हैं, तो इस जाति के या सभी लोगों को पूरे बिहार में जातीय प्रमाण पत्र माझी जी से ही साइन करवाना पड़ेगा। बंसावली कर रहे हैं बनाने के लिए, कर रहे हैं बंसावली ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि अभी पहले बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी माझी जी की सरकार है और बिहार में भी माझी जी की सरकार है, और अभी सेशन अभी आने वाला है, तो मांझी जी ये मोदी जी के सामने रख दें और सब हो जाएगी देश में भाई, सबके वंशावली बने। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर दीदी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी भी बुलेटिन जारी कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है बिहार में, पुल गिर रहे हैं, आज भी एक पुल गिरा है उसको लेकर भी ट्वीट हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार पे पकड़ कमजोर पड़ गई है, और मीडिया के माध्यम से, और जब आप पब्लिक में जाते हैं तो तरह तरह के नामों की लोग चर्चा करते हैं कि आज फलाने सुपर सीएम है, ये सीएम है और वो सीएम है और वो काम देख रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मुद्दा है, आए दिन राष्ट्रीय जनता दल इसको उठा रहा है, तो जो जनता के साथ जो भी जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसको राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मीडिया के सामने रखने के और बिहार की जनता के सामने काम कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 साल पहले की जो सरकार थी, बार बार कोई अगर घटना घटती है तो उस पर आरोपित कर दिया जाता है, लेकिन सरकार में आप हैं, मिनिस्टर आप हैं, होम मिनिस्टर आप हैं, यहाँ पे आपके अंडर में है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। आपकी पार्टी से एक नेता उधर गए हैं, श्याम रजक, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं अपने ही पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? अभी तक मिला नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, आए हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, तो मुझे लगता है कि मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये जो सरकार बनी है उनको स्वतः पूरा कर देना चाहिए बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और बिहार के भलाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता अगर सोचते हैं बिहार का विकास हो और भला हो, तो इस तरह की मांग को बिना कहे